प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर आगामी 18 मार्च को बागेश्वर की दोनों विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार के 4 साल के कार्यों की न केवल जानकारी दी जाएगी बल्कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए तहसील मुख्यालय में दोनों विधायकों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। कपकोट के विधायक बलवंत सिंह भौरियाल तथा बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करें तथा लोगों को कार्यक्रम तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था करें। बैठक का संचालन उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने किया। 18 मार्च को हमारे उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 वर्ष के कार्यकाल को हम बहुत विकास के रूप में धूमधाम से मनाने का जो है कार्यक्रम किया हुआ है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3-4 बैठक हुई है और कपकोट विधानसभा का जो कार्यक्रम होगा माननीय विधायक आदरणीय भौरियाल जी की अध्यक्षता में होगा और बागेश्वर विधानसभा का जो कार्यक्रम होगा वो मेरी अध्यक्षता में होगा और विभागीय अधिकारियों की पूरी कमेटी बनाई गई है जिसमें सभी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं और उस दिन विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। LED के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश से संदेश देंगे, लाइव वहां से देहरादून से होगा और ये प्रत्येक विधानसभा में 18 तारीख को ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो भी हमारे प्रदेश में जो काम किए हैं वो कोरोना काल के कारण 1 साल हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए, इस बार धूमधाम ढंग से इस कार्यक्रम को करना है। नुमाइश खेत और केदारेश्वर बगल कपकोट में दोनों विधानसभाओं का कार्यक्रम होना है जिसमें विकास की झलकियां काम किए जो हम लोगों ने कर रखे हैं, चाहे विधानसभा से किए हैं, राज्य सरकार से किए हैं, केंद्र सरकार से किए हैं, पूरी उपलब्धियों का विवरण लाभार्थियों के बीच में उस दिन रखा जाएगा। प्रत्येक बूथ से लाभार्थी लाने का कार्यक्रम है और हमारे जो महिला समूह हैं, जो हमारे किसान हैं, जो अच्छे क्षेत्र में जिन्होंने काम कर रखा है उसके साथ साथ जो हमारे सांस्कृतिक वाद्य यंत्र में काम करने वाले जो कलाकार हैं उनको भी सम्मानित करने का प्रत्येक विधानसभा वाइज कार्यक्रम होना है। मुझे लगता है कि 18 मार्च का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। 18 तारीख को उत्तराखंड के जो 4 वर्ष हो रहे हैं कार्यकाल को उसमें एक कार्यक्रम केदारेश्वर में रखा है विधानसभा कपकोट में और वो कार्यक्रम भव्य होगा, दिव्य होगा और जिसमें 10,000 जो पुस्तकें हैं उनका भी वितरण किया जाएगा जो विकास आज तक हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस कार्यक्रम को करने का एक सफल कार्यक्रम के लिए एक मन बनाया है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत सुंदर और भव्य होगा। इसमें विभागीय स्टॉल भी लगेंगे और लाभार्थी भी आएंगे? विभागीय स्टॉल भी लगेंगे, लाभार्थी भी आएंगे। हम जो वाद्य यंत्र हैं हमारे पुराने चांचरी है, जोड़े हैं, इस प्रकार के जो हमारा अच्छे काम करने वाले लोग हैं उन सबको भी उस दिन पुरस्कार करने की योजना है। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।